ओके सर, तो फाइनली पूरे एक साल दो महीने के डिले के बाद अब जाके ब्लैक विडो मूवी रिलीज हो गई और नताशा दीदी को वापस से देख के अच्छा लगा। सच बताऊं तो मार्वल की मूवी को देख के अच्छा लगा। मतलब सबके सब वेट कर रहे थे पूरे दो साल से कि कोई न्यू मूवी आए। एंड गेम के बाद से मतलब एंड गेम ही हो गया था। पेंडेमिक की वजह से बड़ी स्क्रीन पे मार्वल का लोगो दिख ही नहीं रहा था। खैर, मूवी के बारे में बात करें तो मूवी ठीक है, मिले जुले रिव्यूज आ रहे हैं और पर्सनली अगर अपना बताऊं तो मुझे भी ठीक ठाक ही लगी। कोई बहुत ज्यादा ऑसम नहीं थी लेकिन बहुत ज्यादा खराब भी नहीं थी। रीजन इसका सिर्फ यही है कि अपन लोगों ने बहुत ज्यादा एक्सपेक्ट कर लिया था इस मूवी से, हाइप बहुत ज्यादा बढ़ गई थी और साथ में मार्वल वाले ससुरे ट्रेलर भी इतना जहर बनाते हैं कि अपने आप हाइप बढ़ी जाती है। बट अगर मूवी को नॉर्मल मूवी की तरह देखो तो अच्छी मूवी थी। खैर चलो, मैं आज फुल डिटेल में एमसीयू की टाइमलाइन के साथ और प्लॉट एंड स्टोरी के साथ पूरी मूवी को एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। और अगर आप चैनल पे फर्स्ट टाइम आ रहे हो तो मुझे पता है बिना सब्सक्राइब करे भाग जाओगे, दिल तो बेच खाओ, बट कोई ना सह लेंगे थोड़ा। सो लेट्स स्टार्ट एंड यू ऑल जस्ट हैव टू सिट डाउन, कीप काम एंड लिसन टू मी। बेसिकली ब्लैक विडो मूवी में ज्यादा कुछ नहीं हुआ, ये बताया गया है कि फैमिली इज एवरीथिंग। तो मूवी के स्टार्ट में ईयर 1995 में हमें नताशा का पास्ट दिखाते हैं। इसकी एक छोटी बहन होती है एलेना और मॉम होती है मलीना और डैड का नेम होता है एलेक्सी। ये कोई नॉर्मल फैमिली नहीं होती है, एक्चुअली में कोई रियल फैमिली भी नहीं होती है। मॉम एंड डैड मतलब एलेक्सी और मलीना, ये दोनों रशियन स्पाई होते हैं और यूएस में अंडरकवर मिशन में होते हैं और इनको ऐसे प्रिटेंड करना होता है कि ये रियल मॉम एंड डैड है नताशा और एलेना के, बल्कि रियलिटी में एक फेक पेरेंट्स होते हैं। और जब इनका यहाँ भांडा फूट जाता है तो यहाँ से इनको पुलिस से बच के भागना पड़ता है। और हम लोग को एलेक्सी की सुपर स्ट्रेंथ भी दिखाते हैं क्योंकि ये एक सुपर सोल्जर होता है। अब जिन्होंने फाल्कन एंड द विंटर सोल्जर देखी होगी तो पता होगा सुपर सोल्जर कैसे बनते हैं, सीरम का यूज करके। प्रॉब्ली ऐसे ही एलेक्सी भी बना होगा और ये फेमस होता है रेड गार्डियन नेम से। कॉमिक्स में बात करें तो रेड गार्डियन नताशा का हस्बैंड होता है, पापा नहीं, बट एमसीयू में इसको नताशा का बापू बनाया गया है। वियर्ड एज़ फक। खैर, ये ओहायो से बच के क्यूबा आइलैंड में आते हैं और यहां दिखाते हैं इस मूवी का मेन विलन जनरल ड्रेकोव। ये होता है रेड रूम का ओनर, लीडर। रेड रूम का नेम पहले भी अपन एमसीयू में सुन चुके हैं। ये होता है एक टॉप सीक्रेट सोवियत ट्रेनिंग प्रोग्राम। यहाँ पर दुनिया भर से गर्ल्स को इकट्ठा करके लाते हैं और उनको फुल ट्रेन करते हैं डेडली असैसिन बनाने के लिए। और उन सबको बोला जाता है विडोज, द ब्लैक विडोज। बट इन सबके अंदर फ्री विल नहीं होती क्योंकि इन सबको कंट्रोल कर रहा होता है ड्रेकोव। वो इनके ब्रेन को पूरी तरह मैनिपुलेट कर देता है ताकि वो इनके सारे पे काम कर दे। तो वही क्यूबा में फिर ड्रेकोव की नजर पड़ती है नताशा और एलेना पे और ये इन दोनों को भी ब्लैक विडो बनाने के लिए रेड रूम ट्रेनिंग में भेज देता है। और काम खत्म के बाद ड्रेकोव रेड गार्डियन को फुल हाई सिक्योरिटी प्रिजन में डाल देता है, बट मलीना स्टिल ड्रेकोव के अंडर एज अ साइंटिस्ट वर्क कर रही होती है। अब इसके आगे की स्टोरी आपको पता ही है कि किसी तरह नताशा रेड रूम से फरार हो जाती है और फिर जाके शील्ड का हिस्सा बन जाती है और देन फाइनली एवेंजर्स को ज्वाइन कर लेती है। और एवेंजर्स बनने की वजह से ही ड्रेकोव नताशा को ढूंढ के मारना नहीं चाहता क्योंकि अगर ये ऐसा करता तो एवेंजर्स इसकी अच्छे से बजा देते। नाउ अब यहां से इवेंट स्टार्ट होता है जस्ट सिविल वॉर के बाद तक। सिविल वॉर में याद होगा तो दो पार्टी बन गई थी सोकोविया अकॉर्ड की वजह से और एवेंजर्स आधे आधे में बढ़ गए थे और बहुत को तो जेल में भी डाल दिया था। बट नताशा और स्टीव रॉजर ये दोनों छुप के घूम रहे थे तो इसीलिए यूएस सेक्रेटरी रॉस नताशा को कैप्चर करने के लिए इसके पीछे पड़ा होता है। बट ये आसानी से उसको चकमा दे देती है और चली जाती है नॉर्वे में छुप के रहने के लिए। और अब हम लोगों को दिखाते हैं विडोज को जो अपने मिशन में होती है किसी लेडी को एग्जीक्यूट करने के लिए। और इन्हीं विडोज में एलेना भी होती है, ये वही नताशा की छोटी बहन है, सौतेली बहन। ये फिलहाल ड्रेकोव के माया जाल में होती है, बट जैसे ही वो टारगेट वाली लेडी कोई रेड गैस छोड़ती है इसके फेस पे, इसको बोलते हैं रेड डस्ट, तो फिर ये जाके अपनी वापस रियलिटी में आ पाती है। मतलब अब ये रियल एलेना होती है, इसके ऊपर से ड्रेकोव का कंट्रोल चला जाता है। और वो लेडी मरने से पहले इसको बोल देती है किसी रेड डस्ट का यूज करके बाकी विडोज को भी ड्रेकोव के माया जाल से फ्री कर दो। और अब एलेना को कुछ समझ में नहीं आता कि ये क्या करे, तो इन बच्ची को जी रेड डस्ट को अपनी बहन नताशा को भेज देती है बुडापेस्ट वाले सेफ हाउस में, ये सोच के कि आखिर वो एक एवेंजर है तो कुछ ना कुछ कर ही लेगी। और अब इस साइड ड्रेकोव टास्क मास्टर प्रोटोकॉल को एक्टिव कर देता है। तो टास्क मास्टर को कॉमिक्स के फैन आराम से जानते होंगे, ये बहुत फेमस विलन है और इसके पास स्किल होती है किसी के भी एक्शंस को मिमिक करना, एक तरीके से डिट्टो कॉपी करना। मूवी में भी यही सेम पावर होती है इसके पास। ये कैप्टन की तरह फाइट करता है, हॉकाई की तरह करता है और ब्लैक पैंथर की तरह भी करता है। इवन हमें दिखाते भी हैं कि ये सिविल वॉर वाली फाइट से टचाला और हॉकाई के स्टेप्स को सीख रहा होता है। अब इसकी मिस्ट्री ही सबसे इंपॉर्टेंट रोल थी इस मूवी में। सब फैंस वेट कर रहे थे कि आखिर इस मास्क के पीछे है कौन, तो मार्वल ने इसी चीज में सबसे ज्यादा डिसअपॉइंट किया, उस पर लास्ट में बात करेंगे। वापस आते हैं तो नताशा नॉर्वे में छुपी होती है। इसका सेंसिटिव दोस्त रिक मेसन ये इसको सारी फैसिलिटीज देता है, रहने के लिए घर देता है और सब कुछ। और ये बूढ़ा पेस्ट वाले सेफ हाउस में आई हुई सारी मेल्स और चीजें ये सब ये यहाँ पर ले आता है। तो यलीना ने जो रेड डस्ट भेजे थे वो वायल्स भी यहीं पर होते हैं, जिस वजह से टास्क मास्टर आके नताशा पे अटैक कर देता है। इसको नताशा से कोई मतलब नहीं होता, इसका मिशन सिर्फ यही होता है कि इसको रेड डस्ट वायल्स लेके यहाँ से जाना होता है। बट नताशा इसे थोड़ी मार खा के चला के सिर्फ वायल्स को लेके भाग लेती है। और अब उस वायल्स के साथ यलीना और नताशा की बचपन की फोटोज भी थी, तो ये समझ जाती है कि यलीना ने इसको भेजे थे, इसलिए सवालों के जवाब के लिए जाती है बूढ़ापेस्ट। और वहाँ ये यलीना से मिलती है और जैसे नॉर्मल बहनें एक दूसरे से मीट एंड ग्रीट के टाइम करती हैं, वैसे ये दोनों भी करती हैं एक दूसरे को जान से मारने की कोशिश। बट फिर यलीना सब बता देती है रेड डस्ट वाले मटेरियल के बारे में और ये रेड रूम का नाम भी लेती है। तो अब यहाँ पर फाइनली इतिहास से चली आ रही बहुत पुरानी मिस्ट्री ओपन होती है बूढ़ापेस्ट वाली। एवेंजर 1 में फर्स्ट टाइम बूढ़ापेस्ट का जिक्र किया गया था और एंड गेम में भी सेम हॉकाई और नताशा बूढ़ापेस्ट के बारे में बात कर रहे थे और इनकी बातों से हमेशा लगता था कि बूढ़ापेस्ट में कोई बहुत बड़ा कांड हुआ था और शायद क्लिंट और नताशा के बीच रोमांटिकली भी कुछ हुआ था, ऐसा लग रहा था। बट अब फाइनली जो सच रिवील होता है वो इतना कुछ खास नहीं होता। सो हुआ ये था कि नताशा जब शील्ड एजेंट थी तब इसको इसका फाइनल मिशन मिला था जिसमें इसको ड्रेकोव और उसके पूरे रेड रूम वाले सेटअप को डिस्ट्रॉय करना था। ये बहुत बड़ा मिशन था उसके लिए क्योंकि ड्रेकोव काफी बड़ा आदमी होता था, हैवी एक्चुअली। तो इस मिशन में नताशा और हॉकाई ये साथ में थे और लास्ट में फाइट के बाद नताशा को ऐसा लगा था कि इसने ड्रेकोव को मार डाला है, बट वहां पर कोई बॉडी नहीं थी, इसका मतलब वो सर्वाइव कर गया था किसी तरह। और साथ में
ड्रेकोव की एक छोटी बेटी भी थी जिसको भी नेड को मारना पड़ा था ब्लास्ट में, और यही पूरी ड्रेकोव से फाइट थी जिसको ये दोनों बुडापेस्ट वाला इवेंट बोल रहे थे। इस फाइट में लगभग आधी सिटी बर्बाद हो गई थी, और फिर 10 दिन तक क्लिंट और नताशा ये दोनों एक टनल में छुपके बैठे रहे। उस जगह को भी दिखाते हैं, वहाँ गट्टम कार्ड खेल रहे थे दोनों। तो ये थी पूरी मिस्ट्री बुडापेस्ट वाले इवेंट की, और कुछ नहीं, तो सिर्फ इसी चीज का हुआ बना के रखा था इन लोगों ने, जबकि यहाँ कुछ खास था ही नहीं। और सबसे बेकार चीज मुझे ये लगी कि यहाँ पर जितना भी पास दिखाया गया उसके कोई ग्लिम्प्स दिखाए ही नहीं गए, बस हल्का सा पास दिखाया गया। बस नताशा ने अपने मुंह से ही पूरी स्टोरी बता दी, और ये क्या बात हुई, एटलीस्ट हॉकाई की बात हो रही थी तो उसको भी तो हल्का सा दिखाना चाहिए था ना, थोड़ा और रियलिस्टिक फील होता है, बट कोई ना। और नताशा के लिए ये चीज सबसे डरावनी होती थी कि इसने एक मासूम बच्ची को मार दिया था, वही ड्रेकोव की बेटी को, यही इसका नाइटमेयर होता था। खैर, बैक टू द स्टोरी, तो विडोज यहाँ होती है मतलब रेड रूम भी यहाँ एक्टिव होता है, तो इसका मतलब ड्रेकोव मरा नहीं होता, जो नताशा को अभी तक लग रहा था कि वो मर गया था। तो ये दोनों बहनें फाइनली रियूनाइट होती हैं, थोड़ी सेंटी बातें करती हैं, और येलेना अपने लिए एक जैकेट खरीदती है। ये इंपॉर्टेंट चीज इसलिए होती है कि इसने अपनी लाइफ में फर्स्ट टाइम अपने लिए कोई चीज खरीदी होती है, क्योंकि इससे पहले ये ड्रेकोव के कंट्रोल में थी, और अब जाके ये फाइनली फ्री हुई है। और यही जैकेट ये लास्ट में नताशा को भी एज अ गिफ्ट दे देती है, और इन्फिनिटी वॉर में भी हम देख सकते हैं नताशा को इस जैकेट को पहने हुए, बहन बहन का प्यार। नाउ फिलहाल इन दोनों के पास कोई काम तो होता नहीं, नताशा वैसे भी भाग रही होती है रॉस से, और येलेना तो अभी नई नई पैदा हुई होती है, मतलब फ्री विल इसके पास अभी आई हुई होती है। तो ये दोनों प्लान बना लेते हैं साथ में मिलकर रेड रूम और ड्रेकोव को डिस्ट्रॉय करने का। प्रॉब्लम यहाँ बस यही होती है कि किसी को पता ही नहीं होता कि आखिर रेड रूम है कहाँ पर, ओरिजिनल लोकेशन किसी को नहीं पता होती। तो इसीलिए सबसे पहले ये दोनों अपने सौतेले बाप मतलब एलेक्सी को जेल से निकलवाने का प्लान करते हैं। ये जेल में मजे कर रहा होता है, और इसकी बातों से पता चल रहा होता है कि ये कैप्टन अमेरिका से कितना जलता है, क्योंकि ये भी सुपर सोल्जर होता है जस्ट लाइक कैप्टन अमेरिका, और सूट भी इनका काफी हद तक सेम होता है इसीलिए थोड़ा जलता है। खैर, मेसन विडो सिस्टर्स को हेलीकॉप्टर प्रोवाइड करवाता है, ये बंदा बहुत काम का है, और फिर तगड़ा एक्शन देखने को मिलता है। पर फाइनली एलेक्सी जेल से भागने में कामयाब हो जाता है, और पता चलता है कि एलेक्सी को भी कोई आइडिया नहीं है कि ये रेड रूम आखिर है कहां पर। जैसे ब्रेकोव का एक सोल्जर था और उसको कुछ भी कोई सीक्रेट्स पता ही नहीं थे। नाउ लास्ट ऑप्शन बस इनकी सौतेली मां ही होती है मलीना, वही इनको रेड रूम का पता बता पाएगी। सो ये उसके घर जाते हैं, पूरी फैमिली रियूनाइट होती है बहुत सालों बाद। तो ये होती तो एक तरीके से फेक फैमिली है, बट आपस में इनके अंदर एक दूसरे को लेके फीलिंग्स रियल होती हैं, तो इस वजह से एक रियल फैमिली की तरह होते हैं। और तुम भी जानते हो और मैं भी जानता हूँ कि फैमिली के लिए लोग क्या क्या कर सकते हैं। तो मलीना बताती है कि यही वो टेक्नोलॉजी लाई थी जिससे ड्रेकोव अपनी वीडियोस को कंट्रोल कर सकता है, इवन उनको अपनी मर्जी के हिसाब से मार भी सकता है। हमें पहले भी दिखाया गया था एक सीन जब एक वीडियो अपने आप को मार लेती है ड्रेकोव के कंट्रोल में। तो मलीना और एलेक्सी को ये टेक्नोलॉजी शील्ड की एक फैसिलिटी से मिली थी, उस टाइम वो हाइड्रा के अंडर थी। और याद होगा तो विंटर सोल्जर प्रोजेक्ट ये भी सेम ही था, मतलब माइंड कंट्रोल था इसमें भी, बस थोड़े अलग तरीके से। तो ये भी वही हाइड्रा वाले लोग ही कर रहे थे, और यहीं से टेक्नोलॉजी मलीना को मिली थी, इसलिए ब्लैक विडो और विंटर सोल्जर ये दोनों एक परफेक्ट असैसिन होते हैं। नाउ यहां से ट्रिकी पार्ट स्टार्ट होता है। एलेक्सी और येलेना को बिना बताए नताशा और मलीना एक प्लान बनाते हैं। मलीना को पता होता है कि आखिर रेड रूम कहां पर है, क्योंकि स्टिल ड्रेकोव के अंडर वर्क कर रही होती है, बट ये बिना प्लान वहां नहीं जा सकती। तो ये ड्रेकोव को लोगों को इन्फॉर्म कर देती है इसके घर आने के लिए, और उनके आने से पहले नताशा और मलीना ये दोनों आपस में अपनी आइडेंटिटी एक्सचेंज कर लेते हैं, विडो वाली क्लॉथ पहन लेती है और साथ में फेस भी, कोई डिफरेंस समझ में आ ही नहीं रहा होता। और फिर ड्रेकोव के फोर्स आके इनको यहां से अपने साथ ले जाते हैं रेड रूम वाली जगह पर, और वो जगह लिटरली हवा में होती है रडार के भी ऊपर, इसी वजह से आज तक उसकी लोकेशन किसी को पता ही नहीं चल पाई। नाउ यहां सबके अपने रोल होते हैं मिशन में। नताशा को जाके ड्रेकोव को मारना होता है, मलीना को इस शिप को जमीन में लैंड कराना होता है, और येलेना को सारी विडोज को फ्री करना होता है। और एलेक्सी ये बस फाइटिंग के लिए होता है, और वो भी नहीं कर पाता, तो ऑब्वियसली कुछ प्लान के हिसाब से नहीं जाता। ड्रेकोव समझ जाता है नताशा को देख के कि वो मलीना का मास्क पहने हैं, और यही मास्क वाली चीज फाल्कन एंड द विंटर सोल्जर में भी दिखने को मिली थी, उसके पहले भी एक बार और देख चुके हैं। और यहां अब जाके खुलता है टास्क मास्टर का असली सच। तो टास्क मास्टर और कोई नहीं बल्कि ड्रेकोव की बेटी ही होती है एंटोनिया, वही लड़की जिसको नताशा ने बुडापेस्ट वाले ब्लास्ट में मार दिया था, बट बाप और बेटी दोनों किसी तरह सरवाइव कर गए थे। और ड्रेकोव ने अपनी ही बेटी के ब्रेन में एक चिप घुसा दी थी जिससे उसके अंदर किसी और को मिमिक करने वाली पावर आ गई थी। तो ये थी पूरी टास्क मास्टर की मिस्ट्री इस मूवी में, और ऑब्वियसली फैंस इस चीज को देख के बिल्कुल खुश नहीं हुए, क्योंकि मैंने बताया था टास्क मास्टर काफी बड़ा कैरेक्टर है कॉमिक्स में, और ट्रेलर से भी सबको लग रहा था कि रिक मेसन टास्क मास्टर होगा, क्योंकि कॉमिक्स में टास्क मास्टर भी एक आदमी होता है। तो किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ड्रेकोव की बेटी एज अ टास्क मास्टर निकलेगी। अब ये चीज ये मिस्ट्री नॉन कॉमिक्स फैन के लिए तो अच्छी है, बट बाकी तो गाली दे रहे होंगे। खैर, ड्रेकोव भेजक टास्क मास्टर जो इसका मेन बॉडीगार्ड होता है होती है, वो इसको बाकियों को मारने के लिए भेज देता है, और नताशा इसको मारने का ट्राई करती है बट नहीं कर पा रही होती। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ड्रेकोव होता है चंट, इसने अपने ऊपर एक फेरीमोरल लॉक लगाया होता है, मतलब जब तक लोग इसको स्मेल कर पा रहे होंगे तब तक वो इसको हार्म नहीं कर सकते, सांस रोकने से भी कोई फायदा नहीं होगा। इसी वजह से नताशा बहुत ट्राई करती है बट फिर भी इसको छू तक नहीं पाती, बट ये अपना टिपिकल ब्लैक विडो अटैक यूज करती है कि सामने वाले को भड़का दो जिससे वो अपनी सारी जानकारी निकाल दे। पहले इसने यही ट्रिक अपनाई थी एवेंजर्स में लोकी के साथ, उसको भी भड़काया था और पूरा प्लान बक दिया। तो यही चीज ये ड्रेकोव के साथ करती है, और वो अपने सारे प्लान्स बताता जाता है। तो ड्रेकोव ऐसा बंदा होता है जिसको वुमेन्स बिल्कुल पसंद नहीं होती, इसलिए इसने फर्स्ट प्लेस पे रेड रूम बनाया होता है जिसमें सिर्फ और सिर्फ वुमेन्स को ही लेके आते हैं, और सबको कंट्रोल करता है ये ड्रेकोव। और ये वुमेन से इतना ज्यादा हेट करता है कि इसने अपनी बेटी के बारे में भी नहीं सोचा, उसकी भी फ्री विल को छीन लिया और एक हर्टलेस सोल्जर बना दिया। और इसने दुनिया भर के अलग अलग जगह में विडोज को उनके मिशन पे ऑलरेडी भेज दिया है ताकि ये बड़ी तबाही मचा सके। और ड्रेकोव ये तक रिवील कर देता है कि इस टेक्नोलॉजी का यूज करके एवेंजर्स को भी मैनिपुलेट करेगा और ऐसे करने का ट्राई करेगा। लेकिन नताशा यही सब जानना चाह रही थी कि आखिर इसके रियल मोटिव्स हैं क्या, जो इसे अब पता चल जाते हैं। और यहां पर मलीना ने नताशा को पहले ही बता
बता दिया था कि तुम रेकॉफ को आसानी से नहीं मार पाओगी। तो नताशा टेबल पे सर मार के अपनी नाक तोड़ देती है, सेवर द नर्व, ताकि इसके सूंघने का सेंस ही गायब हो जाए। और फिर ये आसानी से रेकॉफ की बजा देती है, लेकिन उससे पहले ही सारी विडोज यहाँ आ जाती है जो नताशा पे अटैक कर देती है। और ऑब्वियसली सबसे नहीं लड़ पाती, मार खा रही होती है, लेकिन तभी यलीना आकर उसी रेडनेस का यूज करके सारी विडोज को फ्री कर देती है। मतलब अभी अपने कंट्रोल में वापस आ जाती है और नताशा इनको बोलती है कि अब तुम लोग फ्री हो, जो करना चाहो वो करो। सो ये यहाँ से चले जाते हैं और फिर मलीना शिप के पूरे इंजन को उड़ा देती है, जिससे ये बहुत तेजी से नीचे गिरने लगता है। और लास्ट में रेकॉफ भी यहाँ से भागने का फुल ट्राई करता है अपने प्लेन में जाकर, बट यलीना उसका प्लेन उड़ा देती है। तो होपफुली रेकॉफ इसी ब्लास्ट में मर जाता होगा, दिखाया तो नहीं गया, बट ये कोई इतना बड़ा वाला सुपर विलेन भी नहीं था, निपट गया होगा। और फिर थोड़ी फाइट होती है नताशा और टास्क मास्टर के बीच। नताशा को जो नाइटमेयर्स थे कि इसने एक मासूम लड़की को मारा था, तो वो अब सच नहीं होता है, वो लड़की फिलहाल जिंदा होती है बट बहुत बुरी हालत में। तो नताशा पहले एंटोनिया एक टास्क मास्टर से सॉरी बोलती है उसकी हालत के लिए, और उसको एलेक्सी ने एक जगह पर बंद कर दिया था, बट ये पूरी प्लेस जमीन में जाके गिरने वाली थी, सो मे बी एंटोनिया मर जाती उसमें। तो नताशा दोबारा सेम गलती नहीं करना चाहती थी, ये दोबारा इसको मरते हुए छोड़ना नहीं चाहती थी, तो ये डोर ओपन कर देती है और एंटोनिया अपने कंट्रोल में तो होती नहीं, इसलिए इसी पे अटैक कर देती है। बट फाइनली जमीन में आके नताशा रेड डस्ट का यूज करके एंटोनिया की फ्री विल को वापस कर देती है, मतलब अब ये भी आजाद हो गई। और अब यहाँ पर पूरी फैमिली रीयूनाइट होती है, सारे थ्रेट्स खत्म हो गए होते हैं, रेड रूम भी डिस्ट्रॉय हो गया होता है और रेकॉर्ड भी निपट गया होता है। बट तभी यहाँ पर वही रॉस के लोग आ जाते हैं पूरी फोर्स के साथ नताशा को पकड़ने के लिए, लेकिन यहाँ पर वो सारी विडोज वापस आ जाती है, वो कहीं गई नहीं होती। तो मतलब अभी पूरी अच्छी खासी गैंग बन गई होती है पूरी ब्लैक विडोज की, और नताशा अपनी फैमिली वालों को उनके साथ जाने के लिए बोलती है और ये अकेली इस जगह में रुक जाएगी। तो यहाँ सैड गुड बाय होता है पूरी फैमिली का, और एलिना भी नताशा से फाइनली गुड बाय बोलती है, और क्या पता था इस नदान बच्ची को कि इसका आखिरी गुड बाय होगा अपनी बहन के साथ। तो सावधान रहें, सतर्क रहें। तो सब यहाँ चले जाते हैं और हमें लिटरली में बताया ही नहीं गया कि आखिर नताशा ने रॉस की फोर्स को हैंडल कैसे किया, सीधे डायरेक्ट दो हफ्ते का सीन दिखाते हैं। मतलब ये क्या था, कुछ ना कुछ प्लॉट होल्स क्रिएट कर ही देते हैं मार्वल वाले। तो यहाँ क्या बातचीत हुई, इस पे हजारों थ्योरीज आ जाएंगी, इंटरनेट पे बहुत विद्वान है, बट फिलहाल रियलिटी किसी को नहीं पता। और दो हफ्ते बाद नताशा को दिखाते हैं तो ये शॉर्ट हेयर ब्लॉन्ड बन गई होती है, तो यही लुक इसका इन्फिनिटी वॉर में भी था, क्योंकि यहाँ से इन्फिनिटी वॉर स्टार्ट हो जाएगा। और अगेन इसकी हेल्प करता है मेसन, इसको एक जेट प्रोवाइड करता है क्वीन जेट, ये भी इन्फिनिटी वॉर में दिखा था। तो यहाँ से वही सब चीजें होंगी जैसा आपको ऑलरेडी पता है, जो स्टीव के साथ मिलकर सभी हीरोज को आजाद करवाएगी, फिर थैनोस आएगा चुटकी को बजाएगा, मतलब चुटकी बजा देगा, और फिर एंड गेम में ब्लैक विडो एके नताशा मर जाएगी। तो मूवी तो यहाँ इसी पॉइंट में खत्म हो जाती है, बट एंड क्रेडिट सीन नामक एक चीज होती है, तो उसमें दिखाते हैं हमें एंड गेम के बाद वाला टाइम, मतलब एंड गेम वाली पूरी कहानी खत्म हो चुकी होती है, 5 साल का ब्लिप भी हो चुका होता है। सो नताशा के ग्रेव दिखाते हैं जिसमें लिखा होता है सिस्टर डॉटर एंड एवेंजर, बेसिकली ये दिखाने के लिए कि नताशा की भी फैमिली है, वो भी दो दो। और यहाँ पर एलिना आती है अपने डॉग के साथ, जो इसने पहले भी बताया था कि इसको एक डॉग पालना है, और डॉग का नेम होता है फैनी। तो ये नेम भी पहले मेसन ने नताशा को दिया था, फैनी लॉन्ग बॉटम, मजाक मजाक में। तो हो सकता है इसलिए एलिना अपने डॉग का नेम फैनी रखती है नताशा की याद में, और तभी इसी जगह में इसी टाइम में वैल आ जाती है। इसको देखा देखा लग रहा होगा, ये होती है वैलेंटिना एलेग्रा दी फाउंटेन। फाल्कन एंड द विंटर सोल्जर में इसका फर्स्ट टाइम एंट्रेंस हुआ था, बट एक्चुअली ये मूवी ब्लैक विडो, ये सभी डिज्नी सीरीज जो भी चल रही है और जो आ चुकी है, उन सबसे पहले आने वाली थी, तो हम लोग उस टाइम वैल को फर्स्ट टाइम देखते। खैर बातों से पता चलता है कि एलिना फिलहाल वैल के अंडर वर्क करती है, और वैल इसको नया टारगेट देती है हॉकआई का। ये बोलती है कि यही रीजन है नताशा के मरने का, जो एक्चुअली पूरा सच नहीं है। तो हमें पता है कि हॉकआई सीरीज आने वाली है अभी, जिसमें एलिना का भी एक रोल है, ये भी कंफर्म हो चुका है। तो अब ये पता चल गया है कि क्यों, क्योंकि एलिना हॉकआई को मारने के लिए जाएगी। और बात करें वैल की, तो इसके भरकत से पता चल रहा है कि इसके इरादे अच्छे नहीं है। रूमर्स आ ही रहे हैं कि आगे जाके मैडम हाइड्रा बन सकती है, और इसने ऑलरेडी अपने लिए सस्ते कैप्टन अमेरिका एक जॉन वॉकर को रिक्रूट कर लिया था, और अब पता नहीं इसके अंडर कितने और लोग होंगे, एलिना जैसे और वॉकर जैसे। तो मे बी अपनी खुद की टीम बना रही होगी, ईविल टीम, कॉमिक्स में भी ऐसी है थंडरबोल्ट्स और डार्क एवेंजर्स, तो पॉसिबल है। खैर मूवी में और कुछ ज्यादा नहीं था, बस इतना ही था, ठीक थी। हालांकि मुझे इन दोनों बहनों की केमिस्ट्री अच्छी लग रही थी, और मूवीज में देखने को मिलती तो अच्छा होता, बट क्या ही कर सकते हैं। खैर ये वीडियो यहीं एंड होती है, मूवी को लेकर अपने थॉट्स मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, और वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक और शेयर मैंडेटरी है, करके जाना पड़ेगा जैसे शादियों में खाना खाके जाते हो। और ऐसे ही और इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए सब्सक्राइब भी दबा देना। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक स्टे ट्यून।